हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल अमित यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्विच टेस्टिंग बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि हर काम में आपका साथ देगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आप कोई काम करोगे तो आप इसका इजीली यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को टेस्ट करते हैं, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ को अगर वायर को टच करेंगे तो जो हमारा बल्ब है वो जल जाएगा। तो इसका काफ़ी मज़ेदार ये प्रोजेक्ट है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। चलो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं इस तरीके का पीवीसी पाइप ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक गोल आकार का कट किया है और एक चौकोर मैंने कट किया है। तो यह गोल है जो कि इसके अंदर हम जो कि बल्ब होल्डर लगाने वाले हैं, जो इस तरीके का आता है, जो कि आपको 10 रुपये में इजीली मिल जाएगा। और एक हम यहाँ पर लगाने वाले हैं जो कि स्विच, जो कि आपको ये 10 रुपये में मिल जाएगा। और ये 5 पिन सॉकेट है, वो भी आपको जो कि 10 रुपये में इजीली मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर। तो जो इसके यहाँ पर देख सकते हो, ऊपर की तरफ आते हैं जो इसके सॉकेट हैं। तो इस तरीके से हम इनको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो कि लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, मतलब यहाँ पर हम होल कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं होल कर देता हूँ फटाफट से। तो गाइस देख सकते हो, मैंने चारों तरफ होल कर लिया है, जहाँ पर हम जो इनको फिक्स करने वाले हैं नट बोल्ट से। तो जो इसके साथ जो नट बोल्ट आते हैं उससे हम फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो स्विच को फिक्स कर देता हूँ, फिर मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दूँगा बाद के अंदर तो किस तरीके से मैं फिक्स कर रहा हूँ, या आप देखते रहना। तो मैं यहाँ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, मैंने अच्छी तरीके से इसको समझाया है और जो इसकी वायरिंग वो भी मैंने अच्छी तरीके से समझाई है। तो इस तरीके से जो इसको टाइट का आपको कर देना है दोनों को। तो गाइस देख सो, मैंने स्विच को अच्छी तरीके से लगा दिया है, आपके मैंने दिखाया नहीं था, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। अब इसी तरीके से जो कि मैं इसको भी यहाँ पर फिक्स कर दूँगा, तो इसके लिए देख सकते हो ये छोटे वाले जो नट बोल्ट इसके साथ आते हैं, तो इन्हीं की साथ साइज के मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके से मैं इसको फिक्स कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, जो कि हमने होल किया था यहाँ पर हम फिक्स कर देते हैं इसको, जो नट बोल्ट है। तो फटाफट से मैं इसको फिक्स कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, इस तरीके से मैंने अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है। अब जो हमारा होल्डर है बल्ब, तो इसको भी हम इस तरीके से फिक्स कर देंगे और यहाँ पर हम फेविक्विक की मदद से इसको चिपका देंगे। तो फेविक्विक की मदद से काफ़ी अच्छा चिपकेगा क्योंकि ये प्लास्टिक का आता है। तो इस तरीके से देख सकते हो, हम इसको थोड़ी देर सुखा देते हैं। तो गाइस देख सकते हो, सूख कर तैयार हो चुका है। हम इसकी पूरी वायरिंग कर देता हूँ पहले मैं, फिर मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो, जो कि हमारा 200 बिल्ट वो एसी है, उसको हम डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा वायर आपको जो स्विच के नीचे वाले में कनेक्ट करना है, और स्विच का जो ऊपर वाला वायर है वो आपको जो कि सॉकेट के अंदर कनेक्ट करना है। और सॉकेट से जो दूसरा वाला इधर का वायर है वो आपको जो कि जो बल्ब होल्डर के अंदर कनेक्ट करना है। मैं आपको इसकी जो डायग्राम है वो दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा, तो आप उसकी जो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसकी मदद से आप इसकी जो पूरी कर सकते हो वायरिंग। तो सबसे पहले हम इसको जो नीचे का पार्ट है वो बंद कर देते हैं इस तरीके से, जो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर कट किया था, जो MDF बोर्ड है ये। तो इसको मैं जो कि यहाँ पर फिक्स कर देता हूँ सबसे पहले। तो जो आपको वायर अंदर की तरफ कर देने हैं सारे, और यहाँ पर मैं आप चिपका कर आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से चिपकेगा। तो आपको फेविक्विक की मदद से आपको यहाँ पर चिपका देना है इसको। तो सबसे पहले मैं इसको MDF बोर्ड को चिपका देता हूँ यहाँ पर। तो आपके सामने मैं इसको चिपका कर बताने वाला हूँ, ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा, उसका लुक भी काफ़ी अच्छा मैंने बनाया है। आप और किसी जो बोर्ड है वो उसकी डिज़ाइन अलग भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसको चिपका देता हूँ, देख सकते हो फेविक्विक की मदद से चिपक जाएगा आसानी से। और ऊपर की तरफ से भी मैं इसको चिपका देता हूँ फेविक्विक की मदद से ही। आप अगर ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो तो वो बाद के अंदर उतर जाती है, तो मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, आप भी इसी का यूज़ करें, फेविक्विक का यूज़ करें। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जो कि मैंने एक चिपका दिया नीचे तरफ का, और इस तरीके से देख सकते हो मैंने एक तरफ इसको भी चिपका दिया है। अब जो हमारा एक तरफ रह गया है तो मैं आपको इसको दिखा कर चिपका देता हूँ। तो इसको भी आपको फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो इसको मैं पूरा फिक्स कर देता हूँ फटाफट से, जो कि आपके सामने में। तो इस तरीके से आपको थोड़ी इसकी फिनिशिंग भी दे देनी है, जैसा कि मैंने थोड़ी इसकी फिनिशिंग कर दी अच्छी तरीके से। आप थोड़ी फिनिशिंग और कर सकते हो और इसके ऊपर कलर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं अच्छी तरीके से इसको नीचे से भी चिपका देता हूँ, और काफ़ी अच्छा इसका लुक आ रहा है और काफ़ी अच्छा ये वर्क करने वाला है। मैं आपको पूरी इसकी जो टेस्टिंग है वो दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्क करेगा। देख सकते हो आपका छोटा सा जो कि टेस्टिंग बोर्ड है, सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब गाइस मैं इसको पूरा आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ देख सकते हो, ये 220 वोल्ट आपको दे देनी है इसके अंदर। तो मैंने इसको 220 वोल्ट में लगा दिया है। तो अब गाइस मैं जो कि एक वायर ले लेता हूँ सबसे पहले, जो कि मैं आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पर एक वायर ले लिया जो कि आप कोई सा भी वायर यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको टेस्टिंग के लिए इसी वायर का यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लगा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको जो वायर को लगा दिया है। अब हमारा जो मेन स्विच है वो बंद है हमारा, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बल्ब भी लगा देता हूँ एक, जो कि LED बल्ब है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे हम कनेक्ट करेंगे तो अभी लाइट चालू नहीं होगी, क्योंकि मैंने जो स्विच है वो बंद कर रखा है। और ये वाला स्विच हम ऑन कर देते हैं तो चालू नहीं होगी लाइट, क्योंकि हमने जो मेन स्विच है वो बंद कर रखा है। तो पहले हम जो कि मैं आपको अच्छी तरीके से जो बंद करके दिखा देता हूँ। और मैं यहाँ पर 220 जो कि जो चालू कर दिया लाइट, अब मैं इसको चालू कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ये वायर थोड़ा हिल चुका है। तो मैं आपको अब अच्छी तरीके से इसको दिखा देता हूँ। देख सकते हो गाइस, जैसे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा जो लाइट है वो चालू हो रही है इसकी। और आपके सामने मैं लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ गाइस। मेरे चैनल पे आपको एकदम रियल वीडियो मिलेगी। और देख सकते हो मैं आपके सामने इसको लाइव प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। और हम स्विच का जो बंद कर देंगे तो स्विच बंद हो जाएगा, इसलिए मैंने स्विच लगाया। देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। और आपके सामने आप इसमें कोई भी चीज़ जो कि टेस्ट कर सकते हो, जैसा कि हमारी पानी की मोटर वगैरह, जो पंखा होता है, सीलिंग फ़ैन होता है, कूलर की मोटर, कुछ भी आप इससे जो टेस्ट कर सकते हो। और जो कि कंडक्टर वगैरह कुछ भी आप टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ये बोर्ड है हमारा। तो फाइनली गाइस, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को करो फटाफट सब्सक्राइब, और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, जैसा कि मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए। तो चलो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो के अंदर।